कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की। इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के निहत्ते अवाम पर भारतीय मुजालिम को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए आज 5 फरवरी को तुर्बत में भी यकजेती कश्मीर डे मनाया गया। इस सिलसिले में दश्त मकुरान के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मीर यासिर बारा मरेंद की सरबराई में बहुत बड़ी कार रैली निकाली गई। कार रैली सेटेलाइट टाउन इनकी रिहायशगाह से निकलकर एयरपोर्ट चौक से होता हुआ तालीमी चौक पर मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मीर यासिर बारा मरेंद ने कहा कि बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ हैं, इनके शाना बशाना आज़ादी की जंग लड़ी जाएगी। अभी मोदी ने यही किया है, आजकल 370 को ख़त्म कर रहा है मोदी। ये कश्मीरियों का पहचान है, कोई मुल्क ये नहीं चाहे कि कोई कौम ये नहीं चाहे कि उसका पहचान खलास हो। ये 370 उनका पहचान है और हम बिल्कुल इनकी मजम्मत करते हैं। ये करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पास हुआ है और हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो इस मसले पर एक्शन ले, इस मसले को खलास करे। और पूरी दुनिया से हम अपील करते हैं कि कश्मीरियों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। उधर ना स्कूल का सिस्टम है, उधर बच्चे मरीज होते हैं तो इलाज के लिए ना हॉस्पिटल है, ना बच्चों के पढ़ाई के लिए ना कि उधर स्कूल है। सारा सिस्टम मोदी ने उधर बंद किया है और हम बिल्कुल इनकी मजम्मत करते हैं और हम हमेशा अपने अफवाज के साथ हैं। हमारा 22 करोड़ नहीं, हमारा 25 करोड़ यानी फौज है, आर्मी है। इंशाल्लाह हमारा 25 करोड़ आवाम नहीं है, 25 करोड़ फौज। इंशाल्लाह हम कश्मीरियों के साथ है और कश्मीरियों को हमारी बहुत ज़रूरत है। वो ये नहीं समझे कि वो थाना है। इंशाल्लाह हम हमेशा हर वक्त पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ है, हर काम में जैसा भी होगा इंशाल्लाह हम कश्मीरियों के साथ है, हम कभी भी उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। सूबाई मुशीर पिशरीज आजी अकबर आसकानी के नुमाइंदे मीर कंबर आसकानी की क्यादत में इनकी रिहायशगाह से भी रैली निकाली गई। रैली एयरपोर्ट चौक पर मीर यासिर बारा मरेंद की रैली से मिल गई। मुश्तरका रैली के शुरका ने तालीमी चौक पर मुजाहरा किया। इस मौके पर मीर कंबर आसकानी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 70 सालों से दरिंदगी हर हद तक पार करके भारत ने किस तरह हज़ारों की तादाद में कश्मीरी नौजवानों, माओ, बहनों, बुज़ुर्गों को शहीद किया गया है। और जब उनका हौसला वो ना तोड़ सके तो 2019 में एक गैर इंसानी कानून के तहत उनके ये हक उनसे भी छीन लिया गया। उस दिन से लेकर आज तक कश्मीर की खूबसूरत वादियों को कर्फ्यू लगाकर जेल की शक्ल में तब्दील किया गया और वहाँ के नौजवानों को कत्ल करके, अगवा करके उनकी लाशें फेंकी जा रही हैं और पूरी दुनिया इस मंज़र को तमाशाई के उसमें देखकर कुछ नहीं बोल रही आज। बल्कि मैं अपने कश्मीरी भाइयों को बोलना चाहूँगा कि हम बलोच और बलूचिस्तान के अवाम आप लोगों के साथ खड़े हैं। हर मसले तक जब तक पाक कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होता, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा कश्मीरियों को भारतीय मुजालिम से निजात दिलाए। सरफराज शाह, वैश न्यूज़, तुर्बत। बगेश्तर और नुक्त ने अहवाल सरबो के हाथरा फॉलो और लाइक बिकनित वश न्यूज़ फेसबुक पेजा और सब्सक्राइब बिकनित वश न्यूज़ गिदरोशिया यूट्यूब चैनला और बिजनित घंटी बटना।